इस कार्यक्रम के दौरान इस किताब का, जिसका नाम है रामायण महाभारत मनुस्मृति भगवद गीता ब्राह्मणों के संगठित हिंसा के प्रतीक, ये विलास खरात के द्वारा लिखा गया बृहद रिसर्च ग्रंथ है। रिसर्च किया हुआ, शोध किया हुआ ग्रंथ है। इसका आज विमोचन किया गया है। पहले हमने सोचा था कि इसे भामसेव के 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर विमोचित किया जाएगा, मगर बाद में हम लोगों ने ऐसे सोचा कि इसे हम लोग अगर पहले ही विमोचन करते हैं तो राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान इस किताब की बहुत सारी प्रतियां सारे देश भर के लोग खरीद कर इसको पढ़ने के लिए ले सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखा गया है और रखकर इस किताब को पहले विमोचन कर दिया गया है आज 6 दिसंबर को। इस किताब का विमोचन करने के लिए विलास खरात के द्वारा मुझे कहा गया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरे लिए गौरव का विषय है। इसके लिए मैं विलास खरात को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इस विषय पर बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें इस किताब के बारे में कही है, इसलिए मैं बहुत सारी लंबी बात आज के मौके पर नहीं कहना चाहता हूं, और कभी मौका मिला, समय मिला तो इस किताब की समीक्षा विस्तार से करने का सोच विचार मैंने किया हुआ है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जिसकी विस्तार से समीक्षा करना बहुत जरूरी है, तो भविष्य में इसकी विस्तार से हम लोग समीक्षा करें, ऐसा विचार है। दूसरा एक और भी विचार आया है, देश में इतिहास पर लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को अनुरोध किया जाएगा कि इस किताब की समीक्षा की जाए, और समीक्षा करने के लिए ये किताब उन लोगों को भेजा जाएगा देश भर में, अलग अलग भाषा, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में और देश के अन्य भाषाओं में इसकी समीक्षा करने के लिए लोगों को ये किताब भेजी जाएगी, और इसकी समीक्षा करने के बाद में जो समीक्षा के लेख मिलेंगे उसको भी संग्रहित करके उसका भी एक किताब पब्लिश किया जाएगा, ताकि पढ़ने वाले लोगों को, जो भी पाठक वर्ग है, उन लोगों को इस किताब की समीक्षा पढ़ने का भी मौका मिले, और समीक्षा करने से और की भी समीक्षा को पढ़ने से लोगों को इतिहास समझने में आसानी होगी, यह इसके पीछे एक मकसद है। दूसरी एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, इस किताब में जिस तथ्य का उद्घाटन किया गया है, इस किताब में जिस तथ्य को रिसर्च करके, शोध करके हिंदी भाषा में लाया गया है, वो शोध अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। पहली बार
हिंदी भाषा में पहली बार ऐसी कोई किताब आई है जिसमें ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर सिद्ध किया गया है, पुरातत्व के आधार पर सिद्ध किया गया है और प्राच्य विद्या के आधार पर यह सिद्ध किया गया है, इंडोलॉजी के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि रामायण महाभारत मनुस्मृति और भगवद गीता ये जो ग्रंथ है जिसे ब्राह्मण लोग पवित्र मानते हैं, जो बहुसंख्यांक समाज है जिसे आज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी इनसे कन्वर्टेड कहा जाता है और महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुणबी मराठा, और जो लोग ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, परंपरागत दृष्टिकोण से जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई वो नहीं है, वो वर्ण के नहीं है, वो सारे के सारे लोग, यहां तक के कायस्थ जाति तक, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसके आधार पर कायस्थ जाति जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया है, आज के तारीख में कायस्थ सबसे ऊपर रखी गई शूद्र जाति है। लगभग सभी शूद्र जातियों को मंडल कमीशन में ओबीसी के तौर पर डाला गया है, मगर कुछ जातियों को राजनीति के मकसद के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से, प्रौढ़ मताधिकार की वजह से कुछ जातियों को योजना बनाकर बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट से बाहर रखा गया। उन जातियों को रखा गया जिन जातियों को ब्राह्मणों ने बहुस्तर सत्ता प्रणाली के तहत राज्य की सत्ता में उनको हिस्सेदारी दी। ये एक प्रकार से अलिखित समझौता है ब्राह्मणों का उन जातियों के साथ में, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, अलग अलग राज्यों में उनकी संख्या ज्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में कुणबी मराठा लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उसमें से मराठा लोगों को उन्होंने मंडल कमीशन से बाहर रखा और इस आधार पर बाहर रखा कि राज्य की सत्ता उनको दी जाएगी। ये बहुस्तर सत्ता प्रणाली में जैसे सत्ता का एक स्तर है पंचायत राज, ग्रामीण भाग को अगर आधार बनाया जाए तो ग्रामीण भाग में पंचायत राज के द्वारा ग्रामों में, विलेज में, गांवों में रहने वाले जो लोग हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है किसान जाति है, उस जाति को उन्होंने एडॉप्ट किया और उनको पंचायत राज की सत्ता दी। और शहरों में नगर पालिका, महानगर पालिका है, उसमें भी उन लोगों को सत्ता देने का कम अधिक प्रमाण में प्रयास किया गया और फिर उनमें से ही जो राज्य की सत्ता है, विधानसभा के द्वारा राज्य की सत्ता जो बनाई गई है उस सत्ता में उनको राज्य की सत्ता दी गई और उन लोगों की मदद से बहुमत हासिल किया गया और बहुमत हासिल करके केंद्र की सत्ता पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। आज हम देखते हैं कि केंद्र की सत्ता पर
जो ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टियां है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जैसे सबसे पहली पार्टी कांग्रेस, चटर्जी मुखर्जी बैनर्जी गोखले आगरकर तिलक, इन ब्राह्मणों ने यह पार्टी बनाई और उन्होंने आजाद भारत पर पहले कब्जा किया और उसके बाद आज के तारीख में आरएसएस के द्वारा जो ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है, उनके द्वारा बनाया गया जनसंघ और जनसंघ का ही नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी आई, उसकी सत्ता है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुसंख्यक लोगों की मदद से राज्य सत्ता पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो बहुसंख्यक लोग हैं एससी एसटी ओबीसी इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज और जो मंडल कमीशन में शामिल नहीं किए हुए लोग, जो कायस्थ जाति तक वर्ण व्यवस्था के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहने वाले जो कायस्थ है शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, वो जो लोग हैं ये शूद्र वर्ण के सारे लोग हैं, इन लोगों पर ये जो रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, भगवद गीता है, ये वास्तव में ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण इनको पवित्र मानते हैं और शूद्रों पर इन ग्रंथों को थोपा गया है। ये ग्रंथ को अगर शूद्र लोग अगर पवित्र मानते हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि यह ग्रंथ पवित्र है, उसकी वजह यह है कि उन लोगों के ऊपर उसे थोपा गया है और थोपने के लिए बहुत अलग तरीके का इस्तेमाल किया गया है, बहुत यूनिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है। वो अलग तरीका क्या है, जैसे मैं यही बात एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। आधुनिक काल का, आज के समय का एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देखें तो पता चलता है कि ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर दे के मारा, पेशवा ब्राह्मणों ने मारा, कोकणस्थ ब्राह्मणों ने मारा और इन जिन ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारा तो वो उनको अपना दुश्मन मानते थे इसलिए मारा। अगर वो अपना दोस्त मानते होते तो मारने की वजह नहीं थी, उनको अपना शत्रु माना, शत्रु मानकर उनकी हत्या की और उनके महाप्रतापी जो पुत्र थे संभाजी महाराज उनकी भी उन्होंने हत्या की और हत्या करने के लिए पेशवा ब्राह्मणों ने जो मुगल सम्राट था औरंगजेब उसके साथ गुप्त समझौता किया और उस समझौते के तहत औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद वो राज्य जिस पर औरंगजेब का राज होना चाहिए था, हैरान करने वाली बात है, वो राज पेशवाओं का रहा। इसका मतलब है कि औरंगजेब संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे, वो मार नहीं सके बहुत कोशिश करने के बाद, और इस वजह से उनको सलाह दिया गया कि अगर ब्राह्मणों के साथ आप समझौता करो तो इनको जल्दी पकड़वाकर मारा जा सकता है। और फिर औरंगजेब ने गुप्त रूप से समझौता किया इन ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मणों ने उनके साथ समझौता किया और समझौते के तहत संभाजी महाराज को पकड़वाकर मारा गया। इसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध हो गए हैं।
क्योंकि औरंगजेब ने पेशवाओं के नाम चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी उपलब्ध हुई है कि आप और हमारे बीच में जो समझौता हुआ उसके बरहुकूम अगर आपने आचरण नहीं किया तो जो गत संभाजी की हुई वही गत हम आपकी करेंगे। इसका मतलब है ये चिट्ठी अपने आप में एक इविडेंस है कि पेशवाओं के साथ गुप्त समझौता हुआ था। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के लिए शत्रु थे, संभाजी महाराज ब्राह्मणों के लिए शत्रु थे, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के बाद भारत में प्रौढ़ मताधिकार, आंदोलन होने के बाद आजादी मिली, आजादी में प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया और प्रौढ़ मताधिकार लागू होने की वजह से जो प्रजा बहुसंख्यक है उनको वोट का अधिकार मिला और बहुसंख्यक लोग जिनको एमपी बनाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मराठी में खासदार बनाएंगे, उनका जो बहुमत होगा उसके बहुमत के समर्थन से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बहुमत तो इन बहुसंख्यक लोगों का था तो इनका समर्थन लेना जरूरी था और ये प्रौढ़ मताधिकार की वजह से हुआ जो बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा। ये परिवर्तन हुआ, ये देश में ये हालात बन गए। इस हालात की वजह से ब्राह्मणों को जिनके साथ उनका शत्रुत्व था, जिनको वो अपना कट्टर शत्रु मानते थे, तो कट्टर शत्रु जिनको मानते थे उन्होंने एसिमिलेशन की थ्योरी छत्रपति शिवाजी महाराज पर लागू की। एसिमिलेशन थ्योरी क्या है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण किया और ब्राह्मणीकरण करने के लिए क्या किया, ब्राह्मणीकरण करने के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों का दुश्मन बताया। अगर हम मान लेते हैं कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ लड़ाई हो रही थी, बराबर है ये बात, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मगर इस लड़ाई को इस तरीके से देखा जा सकता है कि कोई भी राजा अगर वो छोटे भौगोलिक क्षेत्र का राजा है, मान लो वो एक जिले का, दो एक जिले का राजा है, तो वो कोशिश क्या करता है कि मैं थोड़ा बड़ा राजा बन जाऊं, तो वो और भूमि जो है अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद अब उससे बड़ी लेने की कोशिश करता है, यानी धीरे 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 वो ज्यादा, जितनी बड़ी भूमि प्राप्त होती है उतना बड़ा वो राजा माना जाता है। सम्राट अशोक जो थे, सम्राट किसको, एक तो होता है राजा और एक होता है सम्राट, तो राजा और सम्राट में क्या फर्क होता है, जो सम्राट है वो भी राजा होता है, राजा जो है वो भी राजा होता है, तो फिर सम्राट और राजा में क्या फर्क होता है, जो सम्राट होता है वो राजाओं का राजा होता है। जैसे मुख्यमंत्री है वो प्रदेश का राजा है, प्रधानमंत्री है देश का राजा है, तो सम्राट अशोक केवल राजा नहीं थे, ये राजाओं के राजा थे, उनके अधीन बहुत सारे देश भर में राजा थे। जब देश आजाद हुआ तो 650 संस्थान में राजा थे और उन राजाओं का राजा इंग्लैंड में बैठता था, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को यह इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, भारत में दो प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र था, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जिसमें कोई राजा नहीं था, उस पर डायरेक्ट राज था अंग्रेजों का, और कुछ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जहां राजा थे, जैसे छत्रपति शाहू महाराज थे, वो अंग्रेजों के समय में भी राजा थे, तो ऐसे छत्रपति शाहू महाराज की तरह 650 राजा थे अंग्रेजों के नियंत्रण में। तो ये जो 650 राजा थे, इन राजाओं का राजा कौन था, वो इंग्लैंड में बैठता था।
लंदन में बैठता था। तो वो आदमी नहीं था, वो महिला थी, तो वो वहां, तो उसी तरह से राजाओं का राजा सम्राट अशोक था, उसके अधीन बहुत सारे राज्य थे, राजा थे। तो मैं जो आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि किसी भी राजा को क्या लगता है कि वो कोशिश करता है कि थोड़ा दो चार पांच गांव का राजा बनने से साला मजा नहीं आ रहा है, वो कोशिश करता है कि और ज्यादा भूमि और ज्यादा भूमि और ज्यादा भूमि वो ये करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे भूमि पर दूसरे राजा का राज है उसके साथ उसका झगड़ा होता है, जो जीत जाता है वो भूमि उसके नियंत्रण में आ जाती है। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनके और औरंगजेब के बीच में ये इसी तरह का लड़ाई थी राज को बड़ा करने की। औरंगजेब सोचता था कि सारे देश भर मेरा इलाज होना चाहिए, और शिवाजी महाराज सोचते थे कि मेरा राज थोड़ा बड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, ये कोशिश कर रहे थे, इसमें लड़ाई होती थी। अब ये जो लड़ाई होती थी इसको ब्राह्मणों ने क्या किया, ये राजपाट की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदू धर्म के रक्षा करने की लड़ाई थी। ब्राह्मणों ने क्या किया, शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के नाम पर एक्सेप्ट नहीं किया, शिवाजी महाराज जैसे है उनका जो ओरिजिनल इतिहास है वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, क्योंकि पुना के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, कहा कि शूद्र हो। ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि रामदास स्वामी जो है उनके गुरु है, तो रामदास स्वामी गुरु थे तो अपने चेले का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया, या पुना के ब्राह्मणों को क्यों नहीं कहा कि अरे कर दो, ये मेरा चेला ही है, इसका राज्याभिषेक कर दो, नहीं किया। गागा भट्ट को बोफोर्स देकर के राज्याभिषेक करवाया गया। तो मैं ये सारा उदाहरण इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसा वो है वैसा स्वीकार नहीं किया, बल्कि शिवाजी महाराज को क्या किया कि वो मुगलों के साथ लड़ रहे थे, और मुगलों के साथ क्यों लड़ रहे थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो सबकी हो गई होती सुनता, ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं। अगर शिवाजी महाराज हुए तो सुनता नहीं हुई, ये वो कहते। मगर जिस भूमि पर औरंगजेब का राज था उस भूमि पर रहने वाले हर गैर मुसलमान की सुनता होनी चाहिए थी, और सारे के सारे मुसलमान होने चाहिए थे, मगर अनडिवाइडेड इंडिया में उनकी संख्या केवल 28% थी, इसका मतलब है 62% लोग नॉन मुस्लिम थे, 100% लोगों की सुनता नहीं हुई। तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी गलत साबित होती है कि ये धर्म रक्षा करने के लिए की गई थी। अगर अगर मान लो शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने छत्रपति शिवाजी के सर पर तलवार क्यों चलाई, अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने जहर देकर क्यों मारा, ये इसका कोई जवाब जो है ब्राह्मणों के पास नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है, सिद्ध क्या होती है कि यह लड़ाई दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं थी, या धर्म रक्षण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये बात भी सही नहीं थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में हिंदू धर्म नाम का धर्म ही वजूद में नहीं था। तो फिर कौन सा धर्म वजूद में था, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको बता दो। शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने की आवश्यकता थी, उन्होंने पुना के ब्राह्मणों को कहा कि राज्याभिषेक करो, उन्होंने अपने धर्मशास्त्र को देखा और देखने के बाद
वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिवाजी कौन से वर्ण के है वो देखा, तो उनको पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वर्ण है वो शूद्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्ण शूद्र है, जब उनको पता चला तब गुना के ब्राह्मणों ने कहा कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं। इसका मतलब यह है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में प्रचलित आज के तारीख का हिंदू धर्म वजूद में नहीं था। उस समय जो धर्म वजूद में था वो वर्ण धर्म था। मैं काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। वर्ण धर्म था, वर्ण धर्म था, उसी को आधार बनाकर उन्होंने फैसला किया कि आप शूद्र हैं इसीलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इससे सिद्ध होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में आज का प्रचलित हिंदू धर्म वजूद में ही नहीं था। जो धर्म वजूद में था वो वर्ण धर्म था, और वर्ण धर्म का ही दूसरा नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म वजूद में था, इसलिए अब सवाल खड़ा होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था तो ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनका स्थान शूद्र था। ये तो बात तर्कसंगत नहीं लगती है। इसलिए ये मैं आपको ब्राह्मणों ने जो झूठा इतिहास लिखा, ये झूठा इतिहास किस लिए लिखा? क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि एज इट इज अगर स्वीकार किया तो वो मूल निवासी बहुजनों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और उससे शिवाजी महाराज से वो प्रेरणा लेते रहेंगे, तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी तो बहुसंख्यक लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर शिवाजी महाराज की तरह शूद्रों का राज स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये खतरा है। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया कि नहीं नहीं तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और गो और ब्राह्मण ये भी एविडेंस है, उन्होंने लिखे रखा हुआ, ये ब्राह्मणों ने लिखे रखा हुआ, गो ब्राह्मण गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज स्थापित किया था, ये भी एविडेंस है। इससे भी प्रूव होता है कि ब्राह्मण ये चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा इतिहास बहुजन समाज के लोग पढ़े जिससे पता चले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक तरफ ब्राह्मणों का रक्षा किया, एक तरफ गाय की रक्षा किया, और गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए राज स्थापन किया था, तलवार उठाई थी, तलवार चलाई थी और मुसलमानों को काटा था, मारा था। इसलिए शिवाजी महाराज से बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर मुसलमान को काटना चाहिए। शिवाजी महाराज ने काटा। अब शिवाजी महाराज अगर महान है, उन्होंने अगर मुसलमानों को काटा, तो उसको हम प्रेरणा मानने वाले लोग, हमको भी मुसलमानों को काटना चाहिए, यह प्रेरणा मिलना चाहिए, ना कि शिवाजी महाराज की तरह अपना राज स्थापित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। यह इतिहास उन्होंने बदलने के लिए एक गलत इतिहास शिवाजी महाराज का लिखा, और शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं किया, बल्कि शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन करके स्वीकार किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज के तारीख का एग्जाम्पल देकर अगर आपको बताया जाए तो आपको पता चलेगा, नहीं तो 2500 साल का मामला आपको कैसे पता चलेगा। तो विलास खरात ने ये जो ब्राह्मणीकरण का जो सिद्धांत आज ब्राह्मण लोग लागू कर रहे हैं, वही ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत जातक कथाओं पर लागू किया। बुद्ध ने अपना प्रवचन करने के लिए जो जातक कथाओं का सहारा लिया, जातक कथाएं प्रचलित थी, जातक कथाओं को कुछ हद तक लोक कथा कहा जा सकता है। लोक कथा आज भी बहुत सारे लोगों के, गांव में रहने वाले लोगों के दिमाग में बहुत सारी लोक कथाएं उनके दिमाग में होती है,
तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है उनकी लोकप्रियता कितनी है कि करोड़ों लोगों के दिमाग में वो बात जो है अभी भी ऐसी भरी हुई है। तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी एक। दूसरी बात, एक वो जातक कथाएं लोक कथाएं थी, लोक कथाएं बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। और पॉपुलर क्यों थी, क्योंकि उसमें कुछ मौलिक तत्व जो है वो लोगों को धर्म के तत्व जो है उसमें बताए गए थे और उस वजह से वो लोकप्रिय थी, पॉपुलर थी। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बातें थी तो ब्राह्मणों ने सोचा ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय बातें हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर बातें हैं, और इन लोकप्रिय और पॉपुलर और लोकमान्य जो कथाएं हैं, यदि इसके विरोध में अगर हमने स्टैंड लिया, खुल्लम खुल्ला स्टैंड लिया, अगर शिवाजी महाराज के विरोध में हम ब्राह्मणों ने स्टैंड लिया तो मराठा फिर तलवार हम पर चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि मराठा की तलवार मुसलमानों पर चलवानी है तो उनको बोलना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज ने तो मुसलमान पर चलाई थी, तुम हमारे ऊपर क्यों चला रहे हो, उधर चला। तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि ये जो लोकप्रियता है जातक कथाओं की, उस लोकप्रियता का सहारा बनाकर बुद्ध ने अपने मौलिक सिद्धांत लोगों को समझाने की कोशिश की और मौलिक तत्वों को लोगों के दिमाग में उदाहरण देकर समझाया, तो जो अशिक्षित जनता थी, ज्यादा पढ़ी लिखी जनता नहीं थी, उनको भी वो बातें समझाने के लिए बुद्ध ने उसका उपयोग किया था। इसलिए उसकी लोकप्रियता केवल लोकप्रियता नहीं रही बल्कि जातक कथाओं का एक धार्मिक महत्व, उसका मान्यता प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मणों ने सोचा इसके विरोध में खड़ा होने से सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, सारी की सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी तो नया संकट खड़ा हो जाएगा, क्या करना चाहिए। तो कथा यही रहनी देनी चाहिए, केवल कथाओं का अर्थ बदल करना चाहिए। और अर्थ बदल करने के लिए फिर उन्होंने जो दशरथ जातक कथा है उसको आधार बनाकर और तमाम जातक कथाओं को आधार बनाकर लगभग इस किताब में विलास करात ने बताया कि 20 के लगभग जातक कथाओं का उपयोग रामायण लिखने के लिए किया गया और उससे कई ज्यादा जातक कथाओं का, क्योंकि 500 से ज्यादा जातक कथाएं टोटल उसको रिकॉर्ड किया गया है, तो उसमें से 30 से ज्यादा जातक कथाओं का इस्तेमाल महाभारत लिखने के लिए किया गया और 16 बार रामायण में बुद्ध का जिक्र आया है। 16 बार रामायण में बुद्ध का जिक्र आना इस बात को सिद्ध करता है कि रामायण अगर बुद्ध पूर्व काल में लिखा गया है, जैसा ब्राह्मण प्रचार करते हैं ये कितना पुराना है पंडित जी रामायण, अब बहुत पुराना है, बता नहीं सकते कितना पुराना है, बताएंगे तो पकड़ में आ जाते हैं कि ये या तो बुद्ध पूर्व है या तो बुद्धोत्तर है। अगर बुद्धोत्तर है तो बुद्ध प्राचीन हो जाते हैं, और बुद्ध पूर्व है अगर लोगों को मालूम हो गया तो फिर सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये वो केवल मराठी में शब्द है ढोबड़ मानाने, बहुत प्राचीन है, कितना है पंडित जी, बहुत प्राचीन है, मगर वो समय नहीं बताते। और भी ब्राह्मणों के ये रामायण महाभारत के लिखने की और एक विशेषता ये है कि ब्राह्मणों ने लिखते वक्त कहीं पर भी कब लिखा नहीं लिखा। अभी जैसे एक किताब है, एक किताब पब्लिश है, उसमें तारीख वारीख सब, ये भी तारीख आ जाती, ये पब्लिश कब हुआ, 6 दिसंबर 2020 को हुआ, किसके हाथ से हुआ, अमन मेजराम के हाथ से हुआ, कौन लेखक है, फला फला लेखक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ब्राह्मणों ने इसको छुपा के रखा क्योंकि अगर आदमी लेखक का पता चलता है तो भी पता चलता है ये कब पैदा हुआ। ये जानबूझकर ये सारी की सारी बातें जो है छुपाकर रखी। छुपाकर रखने के पीछे मकसद ये था कि इसे बुद्धोत्तर, अगर अगर लोग इसको बुद्धोत्तर मान लेते हैं तो चोरी पकड़ी जाएगी,
बुद्धोत्तर मान लेते हैं तो फिर हमारा जो साहित्य है, धर्म साहित्य है, ये ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। और अगर रामायण महाभारत गीता और मनुस्मृति अगर बुद्धोत्तर कालीन रचना है, केवल बुद्धोत्तर कालीन ही नहीं है, बुद्ध के बाद मौर्य, मतलब बुद्धोत्तर कालीन ही रचना नहीं, मौर्योत्तर भी है, मौर्योत्तर भी नहीं है बल्कि ईसा, क्योंकि मौर्य ईसा पूर्व हो गए, तो ये ईसा पूर्व भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में बिफोर ख्रिस्त और आफ्टर ख्रिस्त ऐसा लिखने का अंग्रेजी में रिवाज है। बिफोर ख्रिस्त यानी बीसी और एसी, आफ्टर ख्रिस्त, तो ये आफ्टर ख्रिस्त है। और आफ्टर ख्रिस्त कब है, तो 4-5 साल 10 साल नहीं, 5वीं शताब्दी के बाद लिखा गया। और रामायण महाभारत के बारे में तो ये कहा जाता है जब अंग्रेज आए थे तो लिखना चालू था, महाभारत रामायण में कथाओं को ऐड किया जाता था, छोटी छोटी कथाओं को उसमें ऐड किया जाता था, और हर इलाके का ब्राह्मण जो है उसमें अपने अपने हिसाब से ऐड करता था। और चूंकि वो चौपड़ियां होती थी, वो कोई फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन ऐसा कुछ होता नहीं था, ब्राह्मणों लिखा वो चौपड़ी बना के रखा, लाल कपड़े में बांध के रखा, उसमें कोई फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन थर्ड एडिशन ऐसा कुछ था नहीं, किसी लेखक का भी नाम नहीं होता था, ये जानबूझ कर रखा गया। तो इसकी वजह से ब्राह्मणों ने इसको जानबूझकर प्राचीन बताने के लिए कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, मगर इस किताब ने चोरी पकड़ने का काम किया। और उन्होंने क्या किया कि जातक कथाओं को, जो बहुत लोकप्रिय है, केवल लोकप्रिय नहीं है बल्कि धर्म मान्यता है, इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका विरोध करने के बजाय इसी कथाओं को एडॉप्ट करके जो ऑलरेडी लोगों में लोकप्रिय है, उस लोकप्रिय कथाओं को ही आधार बनाया। और लोकप्रिय कथाओं को ही आधार बनाने के बाद अगर हम उस कथा को लोगों को बताते हैं तो लोगों के लगे आई तो अपना ही है, ये चालाकी करने की कोशिश की। दूसरी बात, उसमें जो मिलावट करने का काम ब्राह्मण करते रहे, प्रतिवाद करने के लिए, प्रतिवाद करने के लिए बौद्ध धर्म के जो विद्वान भिक्षु हुआ करते थे वो प्रतिवाद करेंगे, इसका प्रतिवाद करेंगे, तो प्रतिवाद करेंगे तो भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया, प्रतिवाद करने के लिए कोई भिक्षु जो है वो था नहीं, और जिस इलाके में था उस इलाके में इनकी प्रतियां और इनका साहित्य जो है लोकप्रिय नहीं था, इसलिए हजारों साल तक ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लिया। ये जो कहा जाता है वो हिंसा सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ में की गई। और ये जो ब्राह्मणाइजेशन करने का काम किया, इस ब्राह्मणाइजेशन में उन्होंने जातक कथाओं का इस्तेमाल किया, और इसके लिए उन्होंने जातक कथाओं की चोरी की, और चोरी करके रामायण लिखा, महाभारत लिखा, भगवद गीता में गुण और कर्म का जो सिद्धांत है, क्योंकि वेद को कहा जाता है बहुत प्राचीन, और अगर वेद प्राचीन है और अगर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ब्राह्मण प्रचार करते होंगे वर्ण व्यवस्था का, और उसका उन्होंने खंडन किया, अगर खंडन किया तो इसका एक मतलब ये होता है कि वर्ण व्यवस्था का खंडन बुद्ध ने किया, उसके रिकॉर्ड में ये सारी बातें, पाली साहित्य में सारी रिकॉर्ड की हुई बातें उपलब्ध है, रिकॉर्ड में है, सारा लिखित साहित्य उपलब्ध है, पुरातत्व का साहित्य उपलब्ध है, इंडोलॉजी का साहित्य उपलब्ध है, उसके आधार को आधार बनाकर विलास खरात ने इस बात का उद्घाटन किया कि ये चोरी को चोरी करके लिखा हुआ साहित्य है।
और ये हिंदी भाषा में या भारत की किसी भाषा में ये पहला ग्रंथ है। जहाँ तक मैं बहुत सारे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है, पढ़ते रहता हूँ, मगर इस तरह का विषय पर लिखने वाला भारतीय भाषा में इस विषय पर लिखा हुआ मैंने पहला ग्रंथ देखा जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि ब्राह्मणों ने रामायण महाभारत गीता ये चोरी के आधार पर लिखा गया है। केवल विलास करात ने चोरी करके लिखा, ऐसा केवल लिखा नहीं है बल्कि बाकायदा सबूतों के साथ बताया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण राज्य सत्ता का सहारा लेकर, न्याय सत्ता का, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, राज्य सत्ता का सहारा लेकर, जो कानून की व्यवस्था है, जो एर्कोलॉजी का कानून है, उसके विरोध में जाकर उन्होंने राज्य सत्ता का मिसयूज किया और साकेत पर उन्होंने कब्जा किया, ये बात भी इसके अंदर सबूतों के साथ आई हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक अभूतपूर्व किताब है, इसके पहले इस विषय पर अंग्रेजी में साहित्य हो सकता है, ऐसे रेफरेंस है इसमें, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी में लिखे हुए एविडेंसेस उपलब्ध है, ब्राह्मणों ने उनको पढ़ा भी होगा। अगर किसी ब्राह्मण ने, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो अपने को बहुत ज्यादा प्रगतिशील मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों ने भी वो एविडेंस लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं की और इसलिए ये सिद्ध होता है जिसे सेकुलर ब्राह्मण कहा जाता है, जिसे प्रगतिशील ब्राह्मण कहा जाता है, वो केवल आवरण है, ब्राह्मणों ने धारण किया हुआ आवरण है, आम लोगों को धोखा देने के लिए धारण किया हुआ आवरण है, वो सेकुलर लोग नहीं है, वो प्रोग्रेसिव लोग नहीं है। इस दृष्टि से पहली बार किसी फुले शाहू आंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले किसी व्यक्ति ने इस तरह की किताब लिखी और भारत के भारतीय भाषा में लिखी, ऐसी मैं ऐसा मानता हूं, मेरे जानकारी में पहली किताब है। और इसलिए मैं ऐसी किताब का विमोचन करने के लिए विलास करात ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं। और भारत के तमाम जो लोग हैं, अगर वो अपने आप को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने राजनीतिक रूप से हम लोगों को गुलाम बनाया और ब्राह्मणाइजेशन करके हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वो इस देश में आज़ाद होना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो राजनीतिक रूप से आज़ाद होने के लिए पहले मानसिक रूप से आज़ाद होना जरूरी होगा, और मानसिक रूप से आज़ाद होने के लिए ये किताब उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त तो होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हुए है, और वो एविडेंस के आधार पर ब्राह्मण वो एविडेंस गलत है इसे साबित नहीं कर पाएंगे, इतने पुख्ता महत्वपूर्ण सबूत दिए हुए है। इसलिए मैं समस्त मूल निवासी बहुजनों को इस किताब को पढ़ने के लिए अनुरोध करता हूं कि वो इस किताब को पढ़े और अपने आप को मानसिक रूप से स्वतंत्र करे। जो मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा वही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।